का मार्ग है, पानी का मार्ग है नदी, और वो जब छोड़ देता है, दिशा बदल देता है, तो बाढ़ के रूप में आकर वो बहुत लोगों को नुकसान पहुंचा देता है। उसी प्रकार कोई भी संगठन अपने लक्ष्य से जब दिशा विहीन हो जाता है तो फिर अपने समाज का, अपने प्रांत, अपने देश को भी वो नुकसान पहुंचा देता है। उसी को वही स्थिति अभी हमारे वीआईपी सुप्रीमो का हो गया है, जो निश्चित रूप से ये तंग आकर अपने पार्टी के स्थिति को देखकर जैसे मन में आता है उस तरह का बयानबाजी करने लगे हैं। ये निश्चित रूप से हम लोग इसका निंदा करते हैं। मुझे लगता है जो अपने पार्टी के संस्थापक सदस्यों का न हो सका तो फिर अपने समाज, अपने प्रांत का वो क्या भला कर पाएगा। और वर्तमान समय में हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे कद्दावर नेता जो लगभग 3 दशकों तक प्रांत का, केवल नहीं अपने पार्टी और प्रांत दोनों का सेवा किए, और परसों ही उनका निधन हुआ, उन पर भी उनका ऐसा ऐसा टिप्पणी आया है जो बड़ा ही दुखद है। शायद अपने कद को न ध्यान में रखते हुए वो जिनके साथ गए हैं, जो कल तक उन्हें कहते थे, वो कहते थे उनके बारे में कि हमारे पीठ में खंजर मारे, आज वो जो कुछ बोलते हैं तो उन्हीं का सुन करके उसका परिणाम का भी ध्यान नहीं रखते हैं और फिर वो फटाक भर बयानबाजी कर देते हैं। मुझे लगता है कि लोग कहते हैं सत्ता को जिसने समझा है व्यापार, सत्ता को जिसने समझा है व्यापार, निषाद राज नहीं करेंगे उनकी नैया पार।